नाजरीन, आज मैं आप सभी को एक ऐसी दुआ बताऊंगा जिसके पढ़ने से आपकी नेकी का पल्ला भी भारी हो जाएगा और आपका दुश्मन भी हमेशा आपके सामने नाकाम रहेगा और आसेब, जिन, भूत और दुनिया की हर एक मुसीबत, हर एक बला से बचा रहेगा इस अमल को करने वाला, इस अमल को पढ़ने वाला। आज मैं आप सभी को जो दुआ बताऊंगा, इस दुआ को जन्नत की चाबी भी कहा जाता है, यानी कि ये दुआ जन्नत की कुंजी है और अगर आप इस दुआ को पढ़ते हो इंशाल्लाह ये सभी फायदे भी होंगे और आपका नेकी का पल्ला भी भारी हो जाएगा और आपको सवाब भी बहुत ज्यादा मिलेगा। इतने सारे फायदे पहुंचाने वाली दुआ कौन सी है और कितनी बार पढ़नी है और कितने दिनों तक पढ़नी है, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर उसके बाद बराबर वाले घंटे की बटन को भी जरूर दबा देना ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। दुआ कुछ इस तरह से है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अलीयुल अजीम। दुआ को एक बार और सुन लीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अलीयुल अजीम। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस दुआ को कितनी बार पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, आप इस दुआ को एक दिन में एक बार भी पढ़ सकते हो और एक दिन में 1000 बार भी पढ़ सकते हो। जब भी आपको वक्त मिले और जितना भी आपको वक्त मिले, आपको इस दुआ को पढ़ना है। इंशाल्लाह इस दुआ के पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदे होंगे। क्या क्या फायदे होंगे ये भी जान लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये दुआ पढ़ा करो कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अलीयुल अजीम, पढ़ा करो, ये जन्नत की कुंजी है, हमेशा पढ़ना चाहिए। इसके पढ़ने से दुश्मन नाकाम हो जाता है और शैतान भी आपसे दूर भागता है। इस दुआ के पढ़ने वाले के आसपास शैतान नहीं आता है और वो गंदे कामों से और बुरे कामों से बच जाता है। इस दुआ के पढ़ने वाले के ऊपर कभी जिन, भूत, प्रेत, आत्मा, काला साया, काला जादू भी असर नहीं करता है और दुनिया की हर मुसीबत और बलाओं से बचा रहेगा इंशाल्लाह। तो आप इस दुआ को पढ़िए और फायदा उठाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और इस जानकारी को अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में भी शेयर कर देना ताकि हर एक शख्स पढ़ सके और फायदा उठा सके।